आप सभी नन्हे दोस्तों के लिए मैं आज एक चैप्टर फिर से लेकर के आया हूँ साइंस का, जो कि चैप्टर 3 है और इसका नाम है लिफ। इसका नाम है लिफ। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को आज मिलने वाला है। हैविंग लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, लेट अस नाउ नो मोर अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट द लीफ। अर्थात प्लांट डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्लांट क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप देख सकते हो ये भी, ये अलग तरह का है, ये अलग तरह का और ये अलग तरह का प्लांट है। लेट अस नाउ मोर अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट द लीफ। लीफ और प्लांट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम है लीफ। जिसका नाम है लीफ। लीफ ओके, लुक केयरफुली, सावधानी पूर्वक आप इसे देखें। एट डिफरेंट पार्ट शो ग्लो। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो सभी का लीफ जो है वो अलग अलग कैटेगरी में है कि नहीं है? है। ओके, नेक्स्ट, द ग्रीन कलर पार्ट्स अटैच टू द ब्रांचेस आर सीन इन ऑल प्लांट। ओके, यस यस, द ग्रीन कलर पार्ट, जो ग्रीन कलर पार्ट होता है वो अटैच रहता है ब्रांच के साथ। वो आप हर पौधे के साथ देखे हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? यस देखते हो ना? चलिए, ईच ऑफ दीज ग्रीन पार्ट इज नोन ए लीफ ऑफ द प्लांट। ये जो ग्रीन पार्ट होता है, इस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? लीफ के लीफ नाम के से। नाम से ओके, ओके, द लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना? प्लांट का कैसा पार्ट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल, है प्लांट ना? जो लीफ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी प्लांट के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इसेंशियल पार्ट होते हैं। कैसे पार्ट होते हैं? इसेंशियल इसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और वेरी इसेंशियल पार्ट, वेरी इसेंशियल होते हैं, है ना? मतलब बहुत ही जरूरी पार्ट होते हैं। ओके, इट प्ले ए की रोल, इट प्ले ए की रोल रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। समझे? यस कहता है इट प्ले ए की रोल, यह एक चाबी के रोल में काम करता है। कैसे? मेकिंग फूड फॉर द प्लांट, यानी पौधे को भोजन बनाने भोजन में यह की के रूप में काम करता है, यानी चाबी के रूप में। जैसे अगर कोई दरवाजा बंद है तो हम क्या करते हैं? दरवाजा को तभी खोल सकते हैं जब वो चाबी होगी, ऐसे तो दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भोजन तब बनेगी जब उसके पास पत्तियां पत्तियां होंगी। होंगी। समझ में आई? हाँ तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट का ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट है। पार्ट ठीक है? हाँ ओके, नेक्स्ट, लीव ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन दियर शेप साइज एंड टेक्सचर। कहता है लीफ जो होते हैं वे डिफरेंट प्लांट में डिफर होते हैं। होते हैं क्या चीज में डिफर होते हैं? शेप में डिफर होते हैं, साइज साइज में में डिफर होते हैं, टेक्सचर में टेक्सचर में डिफर होते डिफर हैं। होते हैं। समझे? तो शेप मतलब समझ ही रहे हैं, साइज मतलब भी समझ रहे हैं, और साइज, साइज में देखो ये कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना, और शेप, शेप मतलब आकार। तो आकार देखेंगे कि सबका आकार अलग अलग है ना? नेक्स्ट, दिस कैन बी नोटेड बाई लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। कहता है दिस कैन बी नोटेड बाई लुकिंग एट द पिक्चर। आप यहां पर पिक्चर को देखेंगे और ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स,
प्लांट्स, ये डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट लीव्स को, लीफ को यहाँ पर लाया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी समझ नहीं। में आई? ओके, नहीं। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ ए लीफ। अब क्या जानेंगे? यूज ऑफ ए लीफ। प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या समझे? कहता है डेली लाइफ में, डेली लाइफ में प्लांट को वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा रोल अदा करता करता है ना? कैसे? वी पुट देम टू मेनी यूजेस इन ओल्डन डेज। पीपुल यूज टू राइट ऑन सम टाइप ऑफ लीव्स। समझ रहे हैं? हाँ। कहता है वी पुट देम टू मेनी यूजेस। हम लोग इसके बहुत सारे यूज करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे यूज करते यूज हैं, कर है ना? पत्तियों का बहुत सारे यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? एन ओल्डन डेज, पुराने समय में पीपुल यूज टू राइट, पीपुल क्या करते थे? उस पर लिखते थे, लिखते लिखने में इसका इस्तेमाल करते थे। यूज टू राइट, यूज टू राइट मतलब लिखने लिखने में इस्तेमाल करते थे। आप आज आपको लिखने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? कॉपी की। कॉपी की और उस समय लोग देखो यहाँ पर है ना, लिखने में पेपर किस किस चीज का उपयोग करते थे? पत्तियों का उपयोग करते थे, यानी लीव्स के उपयोग करते थे। ओके, अच्छा। इसके बाद फिर राइट ऑन सम टाइप ऑफ लीव्स, यूज राइट ऑन सम टाइप ऑफ लीव्स। कुछ पौधे की पत्तियां ऐसी हुआ करती थी जिस पर लोग लिखने का काम किया करते थे। क्लियर समझ में आई? यस। कहता इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया समझे, समझ में आई? यानी कि दक्षिण भारत में है, भारत के दक्षिण दक्षिण में। साउथर्न भारत मतलब होता है दक्षिण, साउथर्न मतलब दक्षिण दक्षिण। तो दक्षिणी भारत में बनाना लीव्स आर ऑफ्टन यूज एज प्लेट फॉर ईटिंग फूड। समझ में आई? हाँ हाँ। कहता है कि बनाना लीव्स का प्रायः, ऑफ्टन मतलब प्रायः प्रायः या सदैव, प्रायः सदैव या सदैव सदैव यूज किया जाता है। किस रूप में यूज किया जाता है, जल्दी बताइए। प्लेट के ईट रूप करने के में, लिए प्लेट के रूप में यूज किया जाता है। फॉर ईटिंग फूड, जब भोजन को करते हैं, जब भोजन को करते करते हैं हैं तो लीव्स का उपयोग किस रूप में करते हैं? प्लेट के। प्लेट के रूप में यूज करते हैं। और आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर है ना, बनाना बनाना लीव्स है ना। अब बनाना लीव्स पर ये क्या कर रहे हैं? भोजन को परोस रहे हैं, है ना? देखो, फूड इज बीइंग सर्व्ड, फूड को सर्व किया जा रहा है। सर्व कौन कर रहा है? ये आदमी, है ना? तो ये आदमी सर्व कर रहा है देखो फूड को, और कहाँ पर सर्व कर रहा है? बनाना बनाना लिप्स पर, है लीव ना, ऑन द बनाना लिप्स। अच्छा, आपकी मम्मी क्या चीज पर सर्व करती है फूड को? प्लेट 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 में करती है। ओके, और यहाँ पर प्लेट क्या चीज का बना हुआ है? बनाना बनाना लीफ का। लीव का। ओके, एंड यहाँ पर देखो, ए संत राइट ऑन ए लीफ। देखो एक संत हैं जो क्या कर रहे हैं? लीफ पर राइट कर रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसा कब हुआ करता था? तो ओल्डन टाइम में, है ना? देखो ओल्डन टाइम में ऐसा हुआ करता था, यानी पुराने समय में होता था। ओके, नेक्स्ट आगे चलें। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। पीपुल ऑफ्टन यूज तुलसी लीव्स वाइल मेकिंग टी। क्या आप जानते हो कि तुलसी का जो लीव होता है, पत्तियां जो होती है, उसको लोग चाय बना के पीते हैं, चाय के रूप में खोला करके पीते हैं। यस। ओके, इट हेल्प टू केयर कफ एंड कोल्ड। यह कफ एंड कोल्ड जब हो जाता है आदमी को, तो उसमें ये हेल्प करता है, यानी मदद करता है, यानी कफ और कोल्ड से ये छुटकारा दिलाने का काम करता है। ओके, पीपुल इन इंडिया
जनरली ग्रो ए तुलसी प्लांट इन दियर कोर्टयार्ड। यह प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक घर के कोर्टयार्ड में यानी आसपास में जो जगह होता है वहां पर तुलसी के पौधे ऑटोमेटिक उग जाते हैं। ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। नीम लीव हेल्प टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स एंड अदर आइटम ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, समझ में आई। यानी इंसेक्ट से बचाने का काम कौन करता है? नीम की पत्तियां। क्या चीज में प्रोटेक्ट करती हैं? जैसे क्लोथ के पास भी इसको नीम की पत्तियां, सूखी पत्तियां रख देते हैं तो किसी प्रकार का इंसेक्ट वहां पर इंसेक्ट नहीं वहां आता है। नहीं इंसेक्ट आता, मतलब कीड़ा, कीड़ा। है ना। इसका ये आपका वर्ड मीनिंग भी इसको याद कर लेंगे कि इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है। कोई दिक्कत? हाँ, तो आप यहाँ पर ये इंसेक्ट आप याद कर लीजिएगा यहाँ से, है ना, ये याद कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद फिर हो गया लीव्स ऑफ नीम एंड बैसिल। बैसिल मतलब तुलसी को ही बैसिल भी बोला जाता है, तो ये बैसिल को भी आप याद कर लेंगे। ओके, बैसिल मीन्स तुलसी भी होता है, इसको आप याद कर लेंगे। आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिन पर्पस। ठीक है, ये नीम की जो पत्तियां होती है, नीम एंड बैसिल्स मतलब बैसिल नीम और तुलसी की पत्तियों को प्राय मेडिसन में कि मेडिसन के पर्पस से भी इसका उपयोग किया जाता जाता है। है। समझ में आई? यस। कहता है लीव ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव। कहता है लीव्स का जो है वो प्रयोग करते हैं भोजन में, वो किस लिए करते हैं? खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अट्रैक्टिव मतलब, ये भी आप वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। कैसा? आकर्षक। आकर्षक बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन योर मदर गार्निशिंग फूड। आपने अपनी माँ को अक्सर देखा होगा फूड को गार्निशिंग करते हुए विथ कोरिएंडर यानी धनिया, मिंट यानी पुदीना एंड करी लीव्स, और करी लीव्स को। दीज लीव्स आर ऑल्सो एड अरोमा टू द फूड। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है अरोमा, है ना। अरोमा मतलब सेंट, सुगंध के लिए। समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कोरिएंडर मतलब, ये आप याद कर लेंगे, ये भी आपके लिए हार्ड वर्ड हो सकता है। कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब होता है धनिया। ठीक है, मिंट मतलब पुदीना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, करी लीव आर गुड फॉर आई साइट, आंखों की रोशनी के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। कौन सा लीव? करी करी लीव्स। एंड हेल्प टू क्योर डायरिया। क्योर, ये वाला वर्ड मीनिंग आप याद कर लेंगे, है ना। क्योर, क्योर मतलब होता है ठीक करना या सुधार करना, और ये आपका लिखा हुआ है डायरिया। ठीक है, डायरिया मतलब होता है अतिसार या दस्त। जब बच्चे बहुत ज्यादा लैट्रिन करना शुरू करते हैं तो उसी को डायरिया या दस्त कहते हैं या अतिसार कहते हैं, तो इसे भी याद कर लेंगे और हमेशा याद रखेंगे। चलिए बताइए कि करी लिप्स का क्या उपयोग किया जा, करी लिप्स क्या 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 चीज़ में हेल्प करता है? तो डायरिया को क्योर करने में और और आई आई साइट साइट को को इम्प्रूव करने इम्प्रूव में, है करने ना। में। आई साइट यानी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी यह उपयोगी है। ठीक है, समझ में आ गई? या ओके नेक्स्ट। वी ऑल्सो नेक्स्ट, नहीं नहीं सॉरी सर, वी ऑल्सो ईट द लीव्स फॉर मेनी प्लांट एज वेजिटेबल। समझे, यानी कि वेजिटेबल के रूप में बहुत, ये वी ऑल्सो ईट, हम लोग खाते हैं पत्तियों को। वी ऑल्सो ईट द लीव ऑफ
मेनी प्लांट एज वेजिटेबल, है ना? मतलब क्या हुआ सब बताइए? वी ऑल्सो ईट लीव, मतलब हम लोग पत्तियों को खाते हैं. कैसे? ऑफ मेनी प्लांट एज वेजिटेबल, वेजिटेबल के रूप में. वेजिटेबल मतलब सब्जी. हाँ, तो वेजिटेबल के रूप में हम लोग प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं. ओके, यू मस्ट हैव ईटन वेजिटेबल मेड फ्रॉम स्पिंच, मस्टर्ड एंड फेनुग्रीक एंड कैबेज. वेरी गुड, कैबेज लीव्स. आप कहता यू मस्ट हैव ईटन, आपने निश्चित तौर पर खाया होगा, आपने निश्चित तौर पर खाया होगा वेजिटेबल. किसका वेजिटेबल? जो बना हुआ हो स्पिंच से. देखो ये स्पिंच है, है ना? तो ये स्पिंच से, स्पिंच से आप बना हुआ भोजन आप जरूर खाए होंगे, खाए हैं कि नहीं? यस. अच्छा, इसके बाद फिर मस्टर्ड यानी सरसों का जो लीव्स होता है आपने उसको भी खाया होगा. ओके, इसके बाद हो गया फेनुग्रीक. फेनुग्रीक मेथी को कहा जाता है. किसको कहा जाता है? मेथी, है ना? तो ये फेनुग्रीक का भी आप खाए होंगे, दाल उल में डाल करके भी खाया जाता है और सब्जी में भी डाला जाता है. एंड कैबेज, कैबेज तो आपने जरूर ही खाया होगा क्योंकि हर घर में ये बनता है ना. तो ये लीव्स को हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल के रूप में हम लोग निश्चित तौर पर खाते हैं ना. यस, लीव्स हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ इन वेरी मेनी डिफरेंट वे, है ना? समझ में आई? कहता है लीव हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. पत्तियां हमारे रोज के जीवन में उपयोग में आती हैं इन वेरी मेनी डिफरेंट वे. मेनी डिफरेंट वे मतलब अलग अलग प्रकार से पत्तियां हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से उपयोग में लाई जाती हैं. कैसे कैसे? वी ऑफ्टेन सी पिक्चर एंड ड्राइंग ऑफ लीव एट मेनी प्लेसेस. समझ में आई? अब इसको फिर से पढ़िए और समझिए. देखिए, बहुत समझ गए होंगे. कहते हैं हम लोग ऑफ्टेन, और ये वर्ड को आप यूज कर लेंगे, है ना? ये वर्ड को आप मेमोरी में डाल लेंगे, मतलब इसको आप कॉपी पर नोट कर लेंगे, ठीक है ना? कि ऑफ्टेन मतलब होता है प्रायः, है ना? वी मतलब प्रायः हम तस्वीरों और ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग करते हैं उनमें पत्तियों को हमने कई स्थानों पर देखा है, है ना? और फिर यहाँ पर हो गया जैसे कर्टेन डिजाइन. कर्टेन मतलब ये क्या होता है? ये पर्दा. वेरी गुड. तो कर्टेन डिजाइन में आप देखो यहाँ पर पत्तियों का उपयोग हुआ है. ओके, फिर कर्टेन डिजाइंस सारी बॉर्डर्स. देखो ये है ना, सारी बॉर्डर्स, सारी के बॉर्डर्स में उसका उपयोग किया जाता है. एंड पेंटिंग में भी इसका उपयोग किया है. इसके बाद फिर रंगोली एंड टेम्पल कर्विंग ऑफ टेन हैव लीफ डिजाइनिंग फ्रॉम ऑन देम. ठीक है, समझ में आ गई होगी रंगोली. देखो ये रंगोली है एंड टेम्पल कर्विंग, है ना? तो टेम्पल में आप कुछ ये किया जाता है, कर्व किया जाता है, यानी कि कर्व का मतलब क्या होता है? डिजाइन बनाना, है ना? टेम्पल में आप जाओगे तो देखोगे बहुत तरह की तस्वीरें बनाई हुई है. तो जो टेम्पल में जो तस्वीरें बनाई जाती है या जो नक्शा वगैरह नक्काशी जो की जाती है खुदाई करके, उसी को कर्विंग बोलते हैं. समझ में आई? तो कर्विंग को भी याद कर लेंगे. तो कर्विंग किया जाता है लीफ का, लीफ डिजाइनिंग का कर्विंग किया जाता है. ठीक है, समझ में आ गई होगी. दिस मेक्स देम लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. दिस मेक देम, यह सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है. यह सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने का काम
करता है। कौन सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है? लीफ का लीफ, डिजाइन। लीफ का डिजाइन। ओके, तो लीफ हमारे लिए देखे कई प्रकार से काम में आता है। नेक्स्ट, सीडिंग ऑफ लीव्स। सीडिंग मतलब क्या होता है, आपको इसको ये वर्ड मीनिंग याद रखना होगा, ये कर लीजिएगा। देखिए, सीड मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना या गिराना। जैसे पत्तियां अपने पेड़ जो होते हैं अपने पत्तियों को फॉल डाउन करते हैं, है ना, तो फॉल डाउन को ही सीडिंग भी बोला जाता है। और सीडिंग मतलब होता है विस्तार भी करना, यानी बिखेरना भी होता है। ओके, तो सीडिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तियों का बिखराव या पत्तियों का गिरना या पत्तियों का झड़ना, इसके संबंध में बातें करेंगे। इन सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर यानी कि वर्ष के कुछ खास सीजन में, सर्टेन सीजन, आप इसको भी वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। सर्टेन मतलब होता है खास, है ना, तो सर्टेन सीजन में, साल के कुछ सर्टेन सीजन में यानी कुछ खास सीजन में हम लोग देखते हैं, वी सी वेरी मेनी लीव लेइंग ऑन द लॉन्स एंड द रोड, है ना। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी पत्तियां जो है लॉन में, लॉन लॉन मतलब समझते हैं ना, लॉन मतलब घर के जो पिछवाड़ी वाला जगह होता है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, या लॉन, तो उस लॉन में आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी हुई रहती हैं। और साथ में आपने देखा होगा कि रोड पर भी बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई रहती है। ये कब होता है? एक खास सीजन में होता है। ओके, दिस शोज दैट द लीव्स ऑफ प्लांट आर नॉट परमानेंट। परमानेंट समझ में आई? तो यहां पर एक वर्ड आपको परमानेंट भी, यहां पर एक परमानेंट शब्द आपको याद कर लेना चाहिए। कहता है दिस शो, यहां आप देखेंगे कि लीव्स ऑफ प्लांट आर नॉट परमानेंट, मतलब जो पत्तियां होती हैं वह हमेशा के लिए नहीं होती हैं, है ना, हमेशा के लिए नहीं होती हैं। दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म दियर फंक्शन वेल। ठीक है, पत्तियां जब तक अच्छे तरह से फंक्शन करती हैं, फंक्शन मतलब अपने काम को जब तक अच्छे तरह से करती हैं, तब तक वे वहां पर रहती हैं। और जब वो अपना काम ठीक से करना मैंने करना करने में सक्षम नहीं होती हैं, तो वो क्या कर जाती हैं, फॉल डाउन हो जाती हैं, यानी शीडिंग हो जाती हैं। समझ में आई? ओके, व्हेन दे बिकम ओल्ड, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं, जब वे काम करते कर जब काम करने में असफल होने लगते हैं और वे बूढ़े हो जाते हैं, तब वे फॉल डाउन होते हैं, है ना। द प्लांट शीड देम ऑफ, तब वे नीचे आके गिरती हैं। नाउ लीव देन ग्रो अप टू टेक, आप न्यू लीव्स देन ग्रो अप टू टेक, और वहां पर पेड़ों में फिर से नई पत्तियां आ जाती हैं। बात समझ में आई? पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं और नई पत्तियां आ जाती हैं। एक बार थ्रोली स्टडी कीजिए इसका। दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म दियर फंक्शन वेल, जब तक वो अपने फंक्शन अच्छे तरह से करती हैं। When they become old, और जब वे old हो जाती हैं, the plant seed them off, तब plant क्या करते हैं, उन पत्तियों को गिरा देती हैं। कब? जब वो अपने function को perform अच्छे से नहीं कर पाती हैं, उस करने में सक्षम नहीं रहती हैं, तब वे गिरा देती हैं और नई पत्तियों को grow कर लेते हैं। New leaf then grow up to एक और नई पत्तियों को धारण कर लेती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डू यू नो भी है। डू यू नो मीन्स क्या होता है, क्या आप जानते हैं? द सीडिंग ऑफ लीव
ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट दैट गेट कलेक्टेड इन इट ओल्ड लीव्स. ओके, समझ में आई? हाँ, तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो पत्तियों पत्तियां जो पेड़ों से गिरती है वह क्या होती हैं? कचड़े के रूप में होती हैं. दे गेट कलेक्टेड इन इट्स ओल्ड लीव, और वे अपने वेस्टेज को हटा देती हैं और वहाँ पर नई पत्तियाँ ग्रहण कर लेती हैं, नई पत्तियों को ग्रहण कर लेती हैं, मतलब फिर से उगा लेती हैं. समझ में आई? यहाँ पर देखिए, है ना, पत्ते क्या है, पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो फॉल्डन हो गई हैं, सीडिंग हो गई हैं, नीचे आकर के बिखर गई हैं, नीचे आकर के बिखर गई हैं. देखो रोड पर बिखरी हुई है ना. तो दियर प्लेस द ओल्ड लीव कीप ऑन गेटिंग सीड एंड न्यू लीव कीप कमिंग इन दियर प्लेस. ये तो हो ही चुका है कि पत्तियां अपने पुराने पत्तों को सीडिंग कर देती हैं, यानी गिरा देती हैं, और नए पत्ते को धारण कर लेती हैं, और नए पत्ते को धारण कर लेती हैं. ओके, यानी कि उगा लेती हैं. कंपोस्ट द लीव्स, यानी कि कंपोस्ट तैयार होता है लीव्स से, यानी पत्तियों से क्या बनता है? कंपोस्ट. कंपोस्ट बनता है. कैसे कंपोस्ट बनता है, चलिए देखते हैं. व्हाट शुड वी डू विथ ऑल द लीव्स दैट हैव बीन सीड बाय ट्री एंड प्लांट्स. जो ट्री और प्लांट के द्वारा जो लीव्स जो है वो सीडिंग होती है, यानी जो गिरती है ना, उसको क्या करना चाहिए? वी शुड कलेक्ट एंड डंप द फॉलन लीव्स. जो गिरी हुई पत्तियां होती है, फॉलन लीव्स मतलब गिरी हुई पत्तियां, फॉलन लीव्स मतलब गिरी हुई पत्तियां. फॉलन फॉलन को भी आप यहां नोट कर सकते हैं, है ना, फॉलन लीव्स. तो गिरी हुई पत्तियों को क्या करना है? डंप करना है, यानी कि जमा करना. ये भी आपका हार्ड वर्ड हो सकता है. को क्या करना है आपको? कलेक्ट करना चाहिए. शुड मतलब चाहिए. वी शुड कलेक्ट द डंप द फॉलन लीव्स. गिरी हुई पत्तियों को हमको जमा करना चाहिए. एमंग विथ किचन वेस्ट. किसके साथ? किचन के वेस्ट के साथ. किचन के वेस्ट के साथ. वेस्ट मीन्स कचरा, ठीक है. किचन वेस्ट मतलब किचन से निकला हुआ कचरा, ठीक है. खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने के दौरान बहुत सारे कचरे निकलते हैं घर से, तो उन कचरों के साथ इसको रखना चाहिए, डंप करना चाहिए. इन ए पिट, कहाँ पर? एक गड्ढे खोदकर. कहाँ पर? एक गड्ढे खोदकर. तो ये पीट, पीट मतलब गड्ढा होता है, आप इसे भी याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे. ओके, दिस वेस्ट कैन देन बी कवर्ड विथ मोइस्ट सोल. जब ये भर जाए तो उसको क्या करना चाहिए? गीली मिट्टी से इसको कवर कर देना चाहिए. गीली मिट्टी से इसको कवर कर देना चाहिए, मतलब ढक देना चाहिए. व्हेन दिस लीव एज सर्च फॉर 2 or 3 months इट बिकम कंपोस्ट. अब समझ में आया कंपोस्ट कैसे बनता है? और 2 से 3 month के बाद यह अपने आप क्या बन जाएगा? कंपोस्ट बन जाएगा. अब समझ में आया कंपोस्ट कैसे बनती है पत्तियों से? कहता है दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड इन फील्ड, इट हेल्प द प्लांट एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर. यह जो है कंपोस्ट पौधे और पेड़ों को अच्छे ढंग से ग्रो करने में मदद करती है, ठीक है. और ये कंपोस्ट का आप और भी देख सकते हैं कि कैसे बड़ा बड़े 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 कंपोस्ट होते हैं. जी, मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखलाता हूँ, ठीक है. अच्छा, फॉर द टीचर, ये देखिए कलेक्टेड फॉलन लीव्स, ये
फॉलन लीव्स, जो भी पत्तियां गिरी हैं पेड़ का, उनको क्या किया गया है यहाँ पर, पीट में इसको जमा किया गया है, ऐड किया गया है। और इसके बाद जब इसको फिर ऊपर से मिट्टी ढक करके ऊपर से पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा करने के बाद क्या होता है, इस तरह से कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर फॉर द टीचर शुड एक्सप्लेन द स्टूडेंट वाई फॉलन लीव्स शुड नॉट बी बर्न बट बी यूज टू मेक कंपोस्ट। चलिए मैं समझाता हूँ कि पत्तियों को कंपोस्ट बनाना चाहिए, ना कि उसे जलाना चाहिए, है ना। जलाना क्यों नहीं चाहिए तो ये बता दूँ, जब पत्तियों को हम जलाएंगे तो पत्तियों को जलाने के क्रम में काफ़ी धुआं भी निकलता है, और वो धुएं से हमारा वातावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाता है। तो यानी कि हम जो सांस लेते हैं वो हमारा एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। तो पोल्यूशन से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, गिरे हुए फॉलन जो सीडिंग लीव्स होती हैं, सीडिंग लीव्स को क्या करना चाहिए, कंपोस्ट, हाँ, पीट में उसको जमा करते जाना चाहिए, यानी गड्ढे में जमा करते जाना चाहिए। और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, ऊपर से मिट्टी ढक देना चाहिए, और मिट्टी ढक के ऊपर से पानी का छिड़काव बीच बीच में करते रहना चाहिए। ऐसा करने के बाद 2 से 3 महीने में वह कंपोस्ट बन जाता है। फिर उसे निकाल करके, उस गड्ढे से निकाल करके, और कहीं पर किसी भी पेड़ पौधे में अगर डालेंगे तो वो बहुत ही उसके लिए पौष्टिक होता है। तो इस तरह से आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बढ़िया होगा। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न उत्तरी हैं, तो ये सारे फीलिंग्स दी ब्लैंक्स जो हैं इसको आप खुद से भरेंगे, और खुद से भरने के बाद हमने एक वेबसाइट बनाया है जिसका नाम है www.tpslearning.in। तो आप इस पर जा करके जाएंगे तो इसके सारे प्रश्नों का आंसर उसमें इसी रूप में रखा हुआ है, ABC करके लिखा हुआ है, और ये फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफली, तो इसके आंसर डायरेक्ट लिखे हुए हैं। तो आप खुद से आंसर लिखें, और आंसर लिखने के बाद आप हमारे वेबसाइट पर जा करके www.tpslearning.in पर जा करके आप इसके आंसरों को मैच करें, और मैच करके आप देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आप इस तरह से आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपने एक अच्छा बेहतर आंसर दिया है या नहीं। ठीक है, तो इसी इसी के साथ मेनी मेनी थैंक्स।